जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आज यशस्वी सरपंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश भर से चुनिंदा 20 यशस्वी सरपंचों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि गांव को विकसित कर प्रदेश और देश का विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गांव को विकास की ओर अग्रसर करने में सरपंचों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे देश का, हमारे प्रदेश का अगर विकास का आकलन किया जाए तो मेरे गांव के द्वारा होता है, क्योंकि अगर गांव विकसित होगा तो मेरा प्रदेश भी विकसित होगा, हमारा देश भी विकसित होगा। मुझे पता है कि गांव में सरपंच किस तरह से काम करते हैं। गांव में कई तरह की समस्याएं होती हैं। आज मेरे गांव में पहले जो गांव का व्यक्ति देखता था, उसका व्यक्ति लोहे का काम होता था, लोहार करते थे, मनार पुतली बनाते थे, सारे काम जो होते थे हमारे गांव में होते थे, शादी ब्याह भी गांव में होते थे और गांव का विकास भी होता, उनको लोकल खरीदते थे तो उनको उसका फायदा भी मिलता था। लेकिन कुटीर उद्योग जो हमारे बढ़ने चाहिए, आज हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं लोकल फॉर वोकल, हम लोकल को अगर आगे प्रमोट करेंगे तो हमारे गांव के उस व्यक्ति को उसका फायदा मिलेगा। वो जिला स्तर पे हमने 350 के पार करवाए हैं और पंचायत में वाईफाई लगवा के और एक विधानसभा का रूप दिया है ग्राम पंचायत को, जो बैठक होती है उसको, और जो ये बीपीएल के हैं उनको, जिनको किसी जुड़े लाभ नहीं मिल रहा था योजना का, उनको लाभ दिलाया। मैंने अपने गांव में शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए अपने प्रयास किए। मैंने खुद अपने सरकारी विद्यालयों में जाके वहां क्लासेस ली और अपने गांव की महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए मैंने ग्रामीण महिलाओं के महिला स्वयं सहायता समूहों का निर्माण करवाया, जिसकी सहायता से कई महिलाओं ने अपना रोजगार प्रारंभ किया और गाँव में पक्की सड़कों का निर्माण करवाया और वृक्षारोपण को महत्व दिया और हमारे गांव में वृक्षारोपण करवाया है। पहली बार जब मैं सरपंच बनी तो मास्टर प्लान बना के इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कंप्लीट किया है, उसके अलावा हमने लाखों पेड़ अपनी पंचायत में लगाए हैं, पर्यावरण के साथ में पर्यटन क्षेत्र के विकास किया है ताकि हमारी महिलाओं को रोजगार हो सके, 300 महिलाओं को हमने इसमें जोड़ा है।